गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फाइव में एसएसटी विषय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों का पहला चैप्टर है ग्लोब्स एंड मैप्स, ग्लोब और मानचित्र। मानचित्र का दूसरा नक्शा भी होता है, यही पढ़ना है हम लोगों को लेसन वन में क्लास फाइव के। इसमें सबसे पहले हम लोग जो लेसन वन का कुछ कठिन शब्द है, वर्ड है, उसका अर्थ जान लेंगे। जैसे मॉडल मीन्स होता है नमूना, एक्सल मीन्स होता है अक्ष, मैप मानचित्र या नक्शा, फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप होता है राजनीतिक मानचित्र, थेमेटिक मैप होता है विषयगत नक्शा या मानचित्र, कंपोनेंट अवयव स्केल होता है पैमाना, डायरेक्शन दिशा, फीचर मीन्स होता है विशेषता, जनरली सामान्यतः, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार, अल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, लैंडफॉर्म होता है स्थलाकृति, सिंबल प्रतीक या आकृति, रिप्रेजेंट मतलब होता है दर्शाना, हिली मतलब पहाड़ी। इसी तरह से जो है बहुत सारा जो कठिन वर्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारा होगा कठिन वर्ड, आप लोग उसको देख करके और ग्रुप में मैसेज करना है जिससे हम आप लोग को बता सकें। और यह जो है वर्ड मीनिंग, इसका एक फोटो या पीडीएफ आपको अपने ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जो आप लोग आसानी से उसको लिख सकते हैं अपने नोटबुक पर और इसको याद कर लेना है, ताकि लेसन को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अब हम आगे आप लोग को ग्लोब और मानचित्र के बारे में समझाएंगे। अभी हम लोग लेसन वन ग्लोब एंड मैप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने कुछ कठिन वर्ड मीनिंग के बारे में जाना है, जिसका आप लोगों को भेज दिया जाएगा पीडीएफ या फोटो। अब पहला है आपका ग्लोब। तो ग्लोब है क्या? जैसे हमारी पृथ्वी है, उसी तरह एक छोटा सा नमूना, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना, वही ग्लोब होता है। तो एक ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो होता है वह पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अब जैसे एक ग्लोब लेते हैं, देखिए यहाँ हम एक ग्लोब लिए हुए हैं। अब देखिए इस ग्लोब को, ग्लोब जो है एक अक्ष पर झुका हुआ है, इस अक्ष को एक्सल कहते हैं, एक्सल। यहाँ देखिए यह जो है एक्सल, इस पर यह ग्लोब है और यह थोड़ा झुका हुआ है, जैसे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ठीक उसी तरह ग्लोब जो है वह झुकी हुई है अपने अक्ष पर। और जिस तरह पृथ्वी पर बहुत सारे महादेश, महासागर, नदी, पहाड़, शहर, बड़े बड़े देश, राज्य, उसी तरह ग्लोब पर भी छोटे से रूप में इसको दर्शाया जाता है, इसलिए इसको पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना कहा जाता है, क्योंकि हूबहू जो है यह पृथ्वी की तरह ही है, लेकिन एक बार में हम पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं, इसी के लिए ग्लोब की सहायता लिया जाता है। तो ग्लोब में भी कुछ जो है खामियां, अब क्या क्या खामी है, अब जैसे देखिए ग्लोब, ग्लोब में जब हम देखते हैं तो पूरा भाग एक बार में नहीं दिखाई पड़ता, इसका आधा भाग ही हम लोग देख सकते हैं, एक बार में आधा भाग देखते हैं। अब आधा भाग पीछे छिपा हुआ रहता है और इसको जब फिर नचाते हैं, घुमाते हैं अपने अक्ष पर इसको, तो फिर हम दूसरा भाग या अगला भाग देख सकते हैं। तो इस पर जो है दूसरा जो इसका खामी है, ये ग्लोब डज नॉट शो अस द डिटेल्स ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज। इस पर छोटा छोटा जो शहर या गांव है उसको नहीं दर्शाया जाता है इस ग्लोब पर। आप घर पर भी अपने ग्लोब की सहायता से देख सकते हैं कि ग्लोब पर जो छोटा छोटा गांव
या सरल होगा उसके बारे में डिटेल नहीं जानता या कुछ खामी है ग्लोब के बारे में, बाकी सारा चीज इस पर दिया हुआ रहता है ग्लोब पर। आगे है आपका जो खामी में, बिगर ग्लोब्स आर मच मोर डिटेल देन स्मॉलर वंस बट दे बिग एंड बल्की एंड हेंस डिफिकल्ट टू कैरी। बड़ा जो ग्लोब होता है या जैसे छोटा ग्लोब है, इससे जो बड़ा बड़ा ग्लोब होता है उसमें हम डिटेल तो देख सकते हैं बड़ा करके, लेकिन छोटा की सहायता से छोटा से बड़ा देख सकते हैं, लेकिन यह इतना ना बड़ा हो जाता है कि उसको ले जाने कहीं और लाने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह से हम ग्लोब को नहीं ले जा सकते हैं कहीं के या ला सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैप के बारे में। तो मैप मानचित्र या नक्शा, मानचित्र या नक्शा क्या होता है? तो ये मैप इज ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। मानचित्र जो होता है वह एक समतल सतह पर खींचा हुआ एक नक्शा होता है जिसकी सहायता से हम लोग अपने पूरे पृथ्वी या अन्य भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक समतल सतह पर होता है, ग्लोब की तरह यह गोल नहीं होता। यह एक समतल सतह पर या तो कागज पर बना हो या दीवार पर बना हो, जैसे यह बोर्ड है यह भी एक सरफेस है समतल सतह, तो इस पर भी हम नक्शा बना सकते हैं, चाहे किसी चीज का भी नक्शा हो। अब है नक्शा कितना प्रकार का होता है, तो टाइप्स ऑफ मैप्स मानचित्र के प्रकार, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला होता है फिजिकल मैप्स भौतिक मानचित्र, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप्स राजनैतिक मानचित्र, तीसरा होता है आपका थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप जो होता है वह विषयगत मानचित्र होता है, किसी विशेष विषय के बारे में जो मानचित्र दिया रहता है थीमेटिक मैप होता है। अब हम अलग अलग सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि फिजिकल मैप में क्या क्या होता है और क्या क्या दिखलाया जाता है। तो फिजिकल मैप में पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक चीजें होती है उन्हीं को दिखलाया जाता है, जैसे पहाड़ हुआ, नदी हुआ, पठार हुआ, बड़ा बड़ा मैदान हुआ, तो यह सब जो है वह आपको फिजिकल मैप में दिखलाया जाता है। अब जैसे फिजिकल मैप में हमको दर्शाना है भारत के नक्शा में जो कहाँ पर है नदी, तो नदी को जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो या पानी, तो उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है जो हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पहाड़ है तो उसको ब्राउन कलर से दर्शाया जाता है, मैदान है तो ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है, जो इसी चैप्टर में हम लोग जब हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें इसके बारे में दिया हुआ। अगला है आपका पॉलिटिकल मैप राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र होता है या किसी भी महादेश, किसी भी देश उसकी राजधानी, किसी भी राज्य उसकी राजधानी या उसका जो सीमा होता है बाउंड्री, उसको इस मानचित्र में दर्शाया जाता है पॉलिटिकल मैप। किसी भी देश, चाहे वह गांव का मानचित्र हो, शहर का मानचित्र हो, देश का हो, तो उसका जो बाउंड्री होता है उसको यह पॉलिटिकल मैप के द्वारा ही दर्शाया जाता है। और सबसे लास्ट जो है आपका थीमेटिक मैप या किसी विशेष विषयगत वस्तु के बारे में दर्शाया जाता है, जैसे वर्षा, अब कितना वर्षा, कितना वर्षा हुआ, कहते हैं 30 mm वर्षा हुआ, 30 cm वर्षा हुआ, 40 mm वर्षा हुआ, तो यह
में कितना दर्शाया जाता है या कहाँ का तापमान ज्यादा है, कहाँ का तापमान कम है, तो ये सारी जो चीजें हैं थीमेटिक मैप के द्वारा ही दर्शाया जाता है। अब इससे आगे है आप लोगों का कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप में कौन कौन से आते हैं इसकी जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैप में पहला है आपका डायरेक्शन, दूसरा होता है आपका स्केल, तीसरा होता है सिंबल, चौथा होता है आपका कलर, इसी तरह और होता है कुछ। तो सबसे पहला है आपका डायरेक्शन। तो किसी भी मानचित्र में आप हम डायरेक्शन का पता कैसे करेंगे? तो डायरेक्शन तो किसी भी मानचित्र में डायरेक्शन, इसको ध्यान समझिए। अब डायरेक्शन तो ऊपर की ओर जो होता है आपका हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे की ओर होता है आपका साउथ, साउथ डायरेक्शन, आगे आपका दाया ईस्ट होता है और इधर बाएं भाग होता है वेस्ट। ऊपर की ओर जो भाग होता है नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे की ओर जो भाग होता है वह साउथ डायरेक्शन होता है, बाएं ओर जो होता है आपके जो बाएं तरफ होगा वह वेस्ट होगा और दाहिनी तरफ जो होगा वह ईस्ट होगा। तो नॉर्थ होता है उत्तर, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ होता है आपका दक्षिण दिशा, ईस्ट होता है पूर्व, पूर्व दिशा, और वेस्ट होता है आपका पश्चिम। तो यह जो चार दिशा है इसको मेन डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन को भी दो भाग में बांटा गया है। तो डायरेक्शन का जो दो भाग होता है वह पहला होता है मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, इसमें पहला होता है नॉर्थ, आगे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यही चार होता है उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। यह जो है मेन डायरेक्शन होता है चार नक्शा प्रमुख दिशा। तो हम पता कैसे करेंगे कि किस ओर कौन सा दिशा है? तो नक्शा में ऊपर की ओर हमेशा नॉर्थ दिशा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की ओर हमेशा साउथ डायरेक्शन होता है, दक्षिण दिशा, दाहिने तरफ आपका ईस्ट डायरेक्शन होता है पूर्व दिशा, और बाएं तरफ जो होता है आपका पश्चिम दिशा होता है। तो इस तरह से हम दिशा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं नक्शा पर। और यह जो चारों है यह मेन डायरेक्शन है, इसके अलावा चार जो होता है वह आपका सब डायरेक्शन होता है, सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, यह भी होता है चार तरह का। अब कौन कौन होता है तो देखिए, तो होता है नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, थर्ड होता है आपका साउथ, वेस्ट, साउथ,
ईस्ट। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, अब कोना या जो होता है कोना दोनों के बीच में, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है यह होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। फिर वेस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन होता है यह होता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और आगे जो होता है ईस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यह जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यह चार जो डायरेक्शन होता है इसको सब डायरेक्शन बोलते हैं, उपदिशा। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह जो है नक्शा के लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम नक्शा में जानकारी प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना दिशा के ज्ञान के हम लोग नक्शा के बारे में नहीं प्राप्त कर सकते हैं जानकारी ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए बस इतना ही। इसमें आज हम लोग जो पढ़े हैं ग्लोब मानचित्र उसके बारे में, तो उसका कुछ नोट जो है आप लोगों को आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और इसके साथ साथ वर्ड मीनिंग भी, और उसको याद कीजिए वर्ड मीनिंग। इसके अलावा जो भी कठिन वर्ड मिले आपको, प्रॉब्लम हो, तो उसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फिर अगले दिन अगले क्लास में उसको दूर किया जाएगा। और इसको एक नोटबुक पर जरूर लिखिएगा वर्ड मीनिंग को, क्योंकि यह आपको आगे चलकर बहुत फायदा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।